आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह सनावद मांधाता क्षेत्र को जोड़कर ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग। विधायक सचिन बिरला ने कहा, मांग युक्ति संगत, मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल ओमकारेश्वर को ही जिले का दर्जा नहीं मिला है। भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग पर बड़वाह सनावद ओमकारेश्वर निवासी एकजुट है। इसी तारतम्य में क्षेत्रीय जिला बनाओ समिति के सदस्यों, बड़वाह सनावद के नागरिकों ने विधायक सचिन बिरला से भेंट कर प्रतिनिधि मंडल ने विधायक के समक्ष मांग रखी कि बड़वाह सनावद, मांधाता, महेश्वर एवं पुनासा तहसीलों को मिलाकर ओमकारेश्वर को जिला बनाया जाए। विधायक ने ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग को पूरी तरह युक्ति संगत बताते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। विधायक ने कहा कि ओमकारेश्वर को जिला बनाने से बड़वाह, सनावद, काटकूट, बलवाड़ा, करही, महेश्वर, पुनासा आदि क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। विधायक ने कहा कि इस संबंध में भोपाल जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बड़वाह, सनावद, पुनासा, महेश्वर क्षेत्र को मिलाकर ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग रखेंगे। विधायक ने कहा कि ओमकारेश्वर को जिला घोषित कर बड़वाह सनावद के आसपास मौजूद शासकीय भूमि पर जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि बड़वाह व सनावद के आसपास काफी शासकीय भूमि उपलब्ध है। विधायक ने कहा कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से 11 ज्योतिर्लिंग के नाम से जिले हैं। केवल ओमकारेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो अभी तक जिला बनने से वंचित है। बड़वाह नगर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में जितेंद्र सेन, मुजफ्फर हुसैन अगवान, मनप्रीत सिंह भाटिया, जाकिर हुसैन अमी, सुबोध आरस, गौतम विद्यार्थी, श्याम माहेश्वरी, प्रणव व्यास ने कहा कि पिछले अनेक वर्षों से बड़वाह को जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब क्षेत्रवासियों ने जिला बनाने की मांग को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए ओमकारेश्वर को जिला बनाने का सुझाव दिया है। ओमकारेश्वर के आसपास मौजूद बड़वाह, सनावद, पुनासा और महेश्वर तहसीलों को शामिल कर ओमकारेश्वर को ही जिला बनाया जाना अधिक युक्तिसंगत रहेगा। नागरिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन पर ओमकारेश्वर को जिला बनाने की मांग रखी जाएगी, जबकि सनावद से जिला बनाओ समिति के क्षेत्रीय समन्वयक जाकिर हुसैन अमी एवं दिनेश शर्मा ने बताया कि ओमकारेश्वर को जिला बनाने हेतु विभिन्न संस्थाओं से समर्थन पत्र प्राप्त हो रहे हैं एवं सनावद, बड़वाह, ओमकारेश्वर सहित आसपास के क्षेत्र में नागरिक उत्साहपूर्वक इस मुहिम को अपना समर्थन दे रहे हैं। ओमकारेश्वर के नाम से जिला बनने पर क्षेत्र में तीर्थ और पर्यटन के क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। सरकार ने पहले ही ओमकारेश्वर से उज्जैन तक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। ओमकारेश्वर को जिला बनाए जाने के बाद निमाड़ क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखी जा सकेगी। ज्ञातव्य है कि बड़वाह क्षेत्र की जनता विगत 40 वर्षों से बड़वाह को जिला बनाने की मांग कर रही है। ये मांग पिछले कुछ समय से पुरजोर आवाज के साथ सभी सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जोर शोर से उठाई जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात के पंचमहल का उदाहरण देते हुए बताया कि पंचमहल के नाम से जिला बनाया गया, किंतु उसका मुख्यालय दाहोद रखा गया है। ऐसा ही कुछ ओमकारेश्वर को जिले का नाम देते हुए बड़वाह, सनावद और आसपास के क्षेत्र में जिला कार्यालय को संचालित करने की पहल की जा सकती है। ऐसा किए जाने से नर्मदा के उत्तर व दक्षिण तट पर ये जिला पूरे भारत में अपने विकास के नए स्वरूप को प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा पुनासा, ओमकारेश्वर और महेश्वर के बांधों के नियंत्रण की कमान एक ही जिला मुख्यालय के तहत आ जाएगी। इससे किसी भी आपदा से निपटने में आसानी रहेगी। आजाद न्यूज के लिए बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आपका बहुत समय से बड़वाह को जिला बनाने का जो प्रयास चल रहा है, उस संबंध में एक नई विचारधारा आ रही है कि हम ओंकारेश्वर के नाम से बड़वाह को जिला बनाएं। इस संबंध में बताएं किस तरह से मांग सीएम साहब से रखना चाहते हैं। अभी सीएम साहब का हमारे क्षेत्र में दौरा है, हम लोग ये मांग रखेंगे कि पूरे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में 11 ज्योतिर्लिंग जिले हैं, ओंकारेश्वर महाराज हमारे इससे अछूते रहे हैं। तो हम चाहते हैं ओंकारेश्वर, हमारे इस क्षेत्र को ओंकारेश्वर जिला घोषित किया जाए। और चूंकि ज्योतिर्लिंग होने की वजह से, चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से वहाँ पर जगह नहीं है, तो बेड़िया बड़वाह हमारा करीब लगता है। तो हम चाहते हैं कि बड़वाह में जिले का स्थान घोषित किया जाए और नाम ओंकारेश्वर जिला रखा जाए, जिससे 12 ज्योतिर्लिंग आज पूरे देश के अंदर जिले बन जाएंगे, एक ही ज्योतिर्लिंग छोटा हुआ है। और चूंकि महेश्वर भी पास में है, करही पास में है, बलवाड़ा पास में है, काटकूट का हमारा क्षेत्र पास पड़ेगा, इधर पुनासा पास में पड़ेगा,
इधर बड़वा और सनाबद तहसील को मिला के, ये पूरे क्षेत्र को मिला के महेश्वर विधानसभा, पुनासा तहसील, बड़वा सनाबद तहसील, इन सभी को मिलाकर एक जिला अगर घोषित होता है तो हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भी, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। पूर्व में भी हमारी उनसे बात हुई थी कि ओमकारेश्वर को जिला घोषित किया जाए और स्थान बढ़वा रखा जाए, क्योंकि कार्य क्षेत्र के हिसाब से 4 लेन है, सारे आवागमन की व्यवस्था, सारी सुलभ व्यवस्था हमारे इस बढ़वा क्षेत्र में, तो यहाँ पर स्थान भी खूब है, सरकारी जमीन खूब है, सभी कार्यालय एक जगह आ जाएंगे, तो स्थान रखा जाए बढ़वा और जिला ओमकारेश्वर जिले के नाम से जिले का नामकरण हो, ये हम सब लोग मांग आगामी समय में मुख्यमंत्री जी से करेंगे और हमने की है, और वो जब यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे यही घोषणा कराने की बात भी करेंगे।